एक एक सरदार जी कहते हैं, रोजाना मेरा पोता उछलते कूदते भागते दौड़ते आवाजें लगाता है, या अली या अली। मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा या अली की सदाएं क्यों लगाते हो? कहने लगा, दादाजी पता नहीं, जब मैं या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है। थके नहीं बैठे तो जुमला कहो, होटल के ठंडे कमरे बुक करवाकर अजानों से आली उन वलीउल्लाह बंद करवाने की आरजू रखने वाले दो जुमले सुनते जाएं, ये आरजू तुम्हारे बड़ों की भी थी, जो मनो मट्टी के नीचे दब गए उन्हें आज कीड़े खा रहे हैं, इसलिए कि जो अबू तुराब का मुखलिस ना हो। उसके साथ तुराब क्या करेगी, उसके साथ ये मट्टी क्या करेगी? पहले तो उनको पैगाम ये कि ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बड़ों की भी आरज़ू थी। और अली के नाम की तबलीग और तशहीर के पीछे अल्लाह का इरादा है। तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने इरादा परवरदिगार के खिलाफ बात की है। और अल्लाह ने अली के दुश्मनों की सारी ताकतों को, अब तो तुम्हें रियाल मिलना भी बंद हो गए, पिछला हिसाब दे रहे हो, तवज्जो कर ली। आपको कह रहा हूं किसी और को सुनाने के लिए, यह आरजू बहुत से लोगों की थी और इसके पीछे इरादा है परवरदिगार है, इसके पीछे अल्लाह का इरादा है। अल्लाह चाहता यह है कि उसका नूर रोशन रहे, और अल्लाह के नूर को बुझाने वालों को अल्लाह ने जितना जलील किया है, सारी शिया कौम मिलके क्या तबर्रा करेगी, जो अल्लाह ने अली के दुश्मनों को जलील किया है। सुना दूं आयत, वयुरीदूना लियुदफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिह वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। दोनों है, अल्लाह क्या कह रहा है देखिए, रियाल हो, डॉलर हो, रुपया हो, पैसा हो, लीरा हो, दिरहम हो, क्या हो, ये जितना भी दुनिया की ताकतें हैं वो सब जमा हो जाएं इस नाम को मिटाने के लिए। इस नाम को मिटाने के लिए हुकूमतों ने बजट पास किए, पूरी 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 100-100 साल 200-100 साल तक की हुकूमतें यही काम करती रहीं कि किसी तरह अली का नाम लिया ना जाए। वो सारी ताकतों को अल्लाह ने, सारी तवानाइयों को, सारी ताकतों को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में, वयुरीदूना लियुदफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम, और कुछ लोगों का इरादा है कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से बुझाएं। अल्लाह ने अली के दुश्मनों की सारी ताकत को फूंक बोला है, फूंक। इससे ज्यादा और जलील क्या हो गए? यहां तो वैसे ही इनका कद छोटा है और आखिरत में इनका सामना अली से ही है। मुझे समझ में नहीं आता मंतिक कैसी है, अली दुनिया में चौथे नंबर पर है, आखिरत में पहले नंबर पर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।